विशाल सर गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ एक रहा वन सेकेंड क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा तो एक्शन आया था और लेकिन वही पॉइंट अगली बात आप वहां पे कर रहे थे डीएलएफ में इसमें तो शायद नहीं होगा उस तरीके का गोदरेज प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने करेक्शन देखे वो रियलिटी में थोड़े से डिसाइसिव करेक्शन देखे है सेम बात मैं यहाँ पे भी करूंगा सेम डीएलएफ का ही पैटर्न यहाँ पे भी है डिसाइसिवली निगेटिव पैटर्न है ये पर्टिकुलर सेक्टर पूरा रियलिटी सेक्टर ये पंप एंड डंप हुआ था इसको फॉर दिस मोमेंट अवॉइड करना चाहिए कभी पैटर्न अच्छे बनते हैं आगे आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली हम लोग इस पे बात करेंगे लेकिन आज के डेट में ये पूरा सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड के कैटेगरी में है ऑलरेडी आप अगर पोजीशन में हो तो दो तीन दिन पहले का जो चार दिन पांच दिन पहले का एक जो बॉटम बना था 1131 का उसका बॉटम था तो वो आप प्रोटेक्शन के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते अगर पोर्टफोलियो के लिए रखना हो लेना हो तो अभी नहीं लेना है आप ठीक है ना पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी पैटर्न नहीं बने हुए है अभी भी पंप एंड डंप वाले पैटर्न से ये बाहर उभरता हुआ नहीं दिख रही है सर